नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे SSC GD का जो कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है। तो आप सभी इंतजार कर रही होंगी कि सर SSC GD का कट ऑफ है वो कितना रहेगा, तो इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है। तो वीडियो को दोस्तों आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, तथा नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो कैसा आपको कैसा लगा, तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं, तो आप किस स्टेट से हैं, उसके अनुसार हमें एक नया वीडियो भी आपको उपलब्ध करवा पाएंगे। तो हमने स्टेट वाइज कट ऑफ तैयार की है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हर राज्य का कट ऑफ देखेंगे, तो आप अपने राज्य का इंतजार करते रहिए, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। तो कट ऑफ देखते हैं दोस्तों। इससे पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर लें। यदि वीडियो को शेयर नहीं किया तो सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। यदि आपने नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर कलाम स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकन घंटे का सा बना हुआ है उस घंटे के निशान को जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचनाएं तुरंत आप तक पहुंच पाएं। दोस्तों, शुरू करते हैं, कट ऑफ स्टेट वाइज शुरू करते हैं। तो पहला जो स्टेट है वह दोस्तों अंडमान निकोबार, तो उसकी कट ऑफ कितनी रहेगी, तो ये यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है ये जनरल की रहेगी, फिर OBC की, फिर SC की, फिर ST की कट ऑफ रहेगी। तो अंडमान निकोबार की दोस्तों जनरल की कट ऑफ जो रहने की उम्मीद है वह है 36 और OBC की 33। तो आंध्र प्रदेश की कट ऑफ दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश की जो जनरल की कट ऑफ है वो 49 और OBC की है वो 51% रहने की उम्मीद है। तो SC की दोस्तों 35 है और ST की 44 रहने की उम्मीद है। अगला है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की जो जनरल की कट ऑफ है वो है 37 OBC की, SC की 34 और 33 है वह रहेगी ST की कट ऑफ रहने की उम्मीद है। मतलब इसे एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी सेम यही रहेगी। जैसे दोस्तों ऑफिशियल कट ऑफ आ जाएगी उसकी सूचना भी तुरंत हम आपको वीडियो बनाकर डाल देंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, तो वीडियो को शेयर करते रहें। अगला दोस्तों स्टेट है आसाम, तो आसाम की कट ऑफ जनरल की कट ऑफ रहने की उम्मीद है वह है 44%, 43 है OBC की, 42 है ST की और 42 ही है SC की, SC ST दोनों की 42 रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट है बिहार, तो बिहार स्टेट में दोस्तों जो कट ऑफ है वो जनरल की रहने के 76 है OBC की, 61 है वो है SC की, 73 है वो ST की रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट है दोस्तों चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ की जो कट ऑफ रहेगी वह 54 जनरल की रहेगी, 49 रहेगी OBC की और 43 है वो SC की रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की, तो छत्तीसगढ़ के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दोस्तों 52 जनरल कैटेगरी से यानी अनरिजर्व से और 57 है वो OBC से और 42 है वो SC से, तो 51 है वो ST कैटेगरी के रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट है दादर एंड नागर हवेली की, दादर नागर हवेली की दोस्तों कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी के रहने की उम्मीद है 35 और ST की रहने की उम्मीद है वह अभी 35 है। तो दमन एवं दीव की है, दमन दीव में दोस्तों 37 कट ऑफ रहने की उम्मीद है जनरल और OBC दोनों की। नेक्स्ट है दिल्ली की कट ऑफ, तो दिल्ली की कट ऑफ दोस्तों कितनी रहने की उम्मीद है, तो दिल्ली की है 68 जनरल, 66 है OBC, 63 है SC एंड 58 है ST कैटेगरी की रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट है दोस्तों गोवा, तो गोवा की जो कट ऑफ है वो 35 रहने की उम्मीद है जनरल की, तो 34 है OBC की। नेक्स्ट है गुजरात से, जो गुजरात से विद्यार्थी आते हैं उनकी दोस्तों 46 है वो है जनरल की, OBC की 43 और 40 है SC एम 42 है ST कैटेगरी की। नेक्स्ट है दोस्तों हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दोस्तों 80% है वो जनरल और OBC दोनों के रहने की उम्मीद है एम 74 है वो SC कैटेगरी के रहने की उम्मीद है। इसके अलावा नेक्स्ट है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ है वह दोस्तों 66 रहने की उम्मीद है जनरल की, 61 है OBC की, 63 है वो SC ST के रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट हैं उनकी दोस्तों जनरल कैटेगरी की 36 रहने की उम्मीद है वो है OBC की, 44 है SC की एवं 37 है ST कैटेगरी की रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट है दोस्तों झारखंड, तो झारखंड राज्य के जो विद्यार्थी हैं उनकी दोस्तों कट ऑफ रहने की उम्मीद है 64 जनरल की, 61 है OBC की, 42 है SC एवं 56 है ये ST कैटेगरी रहने की उम्मीद है।
अगला है कर्नाटका, तो कर्नाटका राज्य है उसकी दोस्तों कट ऑफ रहने की उम्मीद है 42, जनरल कैटेगरी ओबीसी की भी 42, 36 है एससी की, 42 है एसटी कैटेगरी की। दोस्तों आपके कितने कट ऑफ में कितने नंबर आपके पेपर में बन रहे हैं वो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, तो आप किस स्टेट से हैं वो भी बताएं, जिससे हम एक जो कट ऑफ का वीडियो है वो और तैयार कर सकें। तो वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। अब देखते हैं केरला राज्य के बारे में, तो केरला के दोस्तों कट ऑफ रहने की उम्मीद है वह है 35 है जनरल की, 33 है ओबीसी की, 34 है एससी और 33 है एसटी कैटेगरी रहने की उम्मीद है। अगला है दोस्तों वो है लक्षद्वीप से, तो लक्षद्वीप की जो कट ऑफ रहने की उम्मीद है वह है 62 जनरल कैटेगरी के उम्मीद है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश की कट ऑफ दोस्तों 68 है, वो है जनरल कैटेगरी, ओबीसी की 69, 59 एससी 57 एसटी कैटेगरी की। महाराष्ट्र में देखते हैं तो महाराष्ट्र की दोस्तों 56 कट ऑफ रहने की उम्मीद है जनरल की, और ओबीसी की 55 और 50 है वो एससी कैटेगरी और 49 है वो एसटी कैटेगरी रहने की उम्मीद है। अगला है मणिपुर के बारे में, तो मणिपुर की दोस्तों कट ऑफ रहने की उम्मीद है वह है 43% है वो मणिपुर की जनरल कैटेगरी, 39% है वो दोस्तों ओबीसी और एससी कैटेगरी रहने की उम्मीद है, और एसटी कैटेगरी की 36 रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट है मेघालय राज्य की, तो मेघालय की दोस्तों जो कट ऑफ होगी वो 35% है वह उम्मीद है किसकी जनरल कैटेगरी में, 33% है वो एससी एसटी और ओबीसी के रहने की उम्मीद है। ये दोस्तों हाल है मिजोरम में, सेम मिजोरम में भी 35 है जनरल की और बाकी जो तीनों कैटेगरी हैं उनकी 33% रहने की उम्मीद है। और सेम अगला है नागालैंड में, जनरल की कट ऑफ है 44 है और एससी एसटी और ओबीसी की 33% रहने की उम्मीद है। अगला है दोस्तों उड़ीसा राज्य में, तो 46% रहने की उम्मीद है वह है जनरल की, 46 है ओबीसी की, 36 है एससी कैटेगरी और 44 है एसटी कैटेगरी की। पोंडोचेरी राज्य में है 35 है वह दोस्तों जनरल कैटेगरी में और 33% है वह ओबीसी और एससी कैटेगरी में रहने की उम्मीद है। अगला देखते हैं दोस्तों पंजाब राज्य, तो पंजाब स्टेट है उसकी दोस्तों कट ऑफ रहने की उम्मीद है वो एसएससी जीडी की, वह है जनरल कैटेगरी में 55%, ओबीसी में 51 और एससी में 50% रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट दोस्तों राजस्थान से, तो सबसे ज्यादा कट ऑफ दोस्तों अभी तक रहने की उम्मीद है वो है बिहार से, उसके बाद है राजस्थान से, तो राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके दोस्तों कट ऑफ रहने की उम्मीद है 78% जनरल की और 82% ओबीसी की रहने की उम्मीद है। ओबीसी की कट ऑफ बहुत हाई जा रही है राजस्थान से, और एससी कैटेगरी में 71 और 73% है वो है एसटी कैटेगरी में रहने की उम्मीद है। अगला है सिक्किम राज्य, तो सिक्किम में दोस्तों कट ऑफ रहने की उम्मीद है वह है 35% है वो है जनरल से, 33% है वह ओबीसी और एसटी कैटेगरी से। तमिलनाडु में दोस्तों क्या है 35 जनरल, 37 है वह रहने की उम्मीद है किस स्टेट से ओबीसी से तमिलनाडु में, और 35% है वह एससी एसटी के रहने की उम्मीद है। अगला है दोस्तों तेलंगाना के बारे में जानते हैं, तो तेलंगाना की कट ऑफ है वह जनरल की 46 है और ओबीसी की 44, एससी की 36 और एसटी की 47 रहने की उम्मीद है। अगला है दोस्तों त्रिपुरा के बारे में, त्रिपुरा में है 42% जनरल की, 45% ओबीसी की और 40% है वो एससी की, तथा 33% है वो एसटी कैटेगरी में रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों जनरल और ओबीसी की कट ऑफ सेम, मतलब 77% की उम्मीद है और एससी की 70% और 69% है वो एसटी कैटेगरी के रहने की उम्मीद है। अगला देखते हैं उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड की दोस्तों जो कट ऑफ रहने की उम्मीद है वह है 70% जनरल की, 65% ओबीसी की, 62 एससी की और 68 है वो एसटी कैटेगरी रहने की उम्मीद है। अगला देखते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में, तो वेस्ट बंगाल की दोस्तों जो कट ऑफ है वह है 53% है वह जनरल कैटेगरी में, 47% है वह दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में, तो 49% है एससी में, तो 47% है वो एससी एसटी कैटेगरी में रहने की उम्मीद है। तो यह है दोस्तों एसएससी जीडी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है
वो संपूर्ण राज्यों की हमने आपको बता दी है। इसके अलावा दोस्तों से हमें और कोई जानकारी एसएससी जीडी के बारे में हमें उपलब्ध होगी, हम तुरंत आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। दोस्तों अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपके कट ऑफ कितनी रहनी चाहिए, आपके नंबर कितने बन रहे हैं, तो आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकन घंटे का बना हुआ है उस घंटे के निशान को जरूर दबा दें जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचनाएं तुरंत वीडियो डालते ही आपको मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।